वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर में या एचवीएसी सेंट्रल एसी जो भी बड़े बड़े एसी रहते हैं उसमें एक्सपेंशन वाले यूज किए जाते हैं, अगर एक्सपेंशन वाले यूज किया जा रहा है अगर वो खराब है तो कैसे हमें मालूम चलेगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस हो जाता है एयर कंडीशनर में जिसे मालूम चलेगा हमें हाँ एक्सपेंशन वाली खराब है और कैसे इसे चेंज करेंगे या रिपेयर करेंगे। तो एयर कंडीशनर के बारे में इसके पहले बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं, अगर हमारा खराब होगा तो मालूम में क्लियरली चलेगा। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानकारी सीखने वाला है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो नए लोग पास शेयर कर ले, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं या फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग हैं, नए टेक्नीशियन है, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। तो एयर कंडीशनर में समझते हैं गैस का साइकिलिंग, एग्जाम्पल हम जो है R22 से लेकर चलते हैं जिसे आपको आसानी रहेगा समझने में। R22 अगर गैस है इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर हमारा एक्सपेंशन वाल्व खराब होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो लो प्रेशर रहता है यानी कि जो सक्शन लाइन रहता है उसके ऊपर आइस फ्रॉस्ट होगा। सक्शन गेज लगाएंगे आप तो वहां पर आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा साइकिल। जो R22 है इसमें आपको 20 से लेकर के 35 PSI के नियर में रहेगा। ये कितना ज्यादा ब्लॉक है उसके ऊपर डिपेंड है, ज्यादा ब्लॉक रहेगा तो आपका और प्रेशर कम हो जाएगा, आपका 20 PSI हो जाएगा, 15 PSI हो जाएगा, ज्यादा ब्लॉक रहेगा। नॉर्मली अगर ब्लॉक रहेगा तो आपका जो सक्शन प्रेशर रहता है ये आपका 35 PSI या 40 PSI या 20 PSI इतना डिफरेंस इतना ही आपको देखने को मिलेगा। और जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है ये आपको नॉर्मल मिलेगा या फिर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों इस तरह से हम लोग समय बता रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर के ऊपर डिपेंड रहता है कितना ज्यादा ब्लॉक है। अगर हम परफेक्टली एक ही चीज बताएंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन रहेगा, आपने हमने इतना ही बताया था बट इसमें कुछ डिफरेंस हो गया है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, हमारा अगर एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक रहेगा तो कंडीशन में डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा रहेगा या फिर नॉर्मली रहेगा, बट सक्शन प्रेशर रहेगा ये आपको कम देखने को मिलेगा। अगर हाँ इसमें आप गैस चार्ज करने की कोशिश करेंगे, कई बार हमारे नाइट्रेशन लोग रहता है इसमें सोचते हैं गैस कम है इसलिए आइस आ रहा है, अगर इसमें आप गैस चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें गैस चार्ज नहीं होगा, गैस इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें गैस रहेगा, फुल रहेगा। आप साइड ग्लास लगा हुआ साइड ग्लास में दिखेंगे उसमें आपको फुल दिखेगा। तो ये चीजें हमारा है, गैस भी आपका फुल रहेगा, गैस भी कितना भी चार्ज करेंगे उतना ही रहेगा। इसका मतलब हमारा समझ सकते एक्सपेंशन वाल्व खराब है और एक्सपेंशन वाल्व के आगे से ही क्या होगा आइस जमना चालू हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व खराब रहेगा तो उसके आगे से देख सकते रहेंगे उसके आगे से ही आइस जमना चालू हो जाएगा, आइस फ्रॉस्ट चालू हो जाएगा। ये भी चीजें को चेक करने के लिए हमारा एक्सपेंशन वाल्व खराब है या सही है श्योर करने के लिए हमारा क्या प्रॉब्लम है उसका जो बल्ब रहता है एक्सपेंशन वाल्व का जो बल्ब रहता है जो ऊपर छोटा टेल रहता है उसे हमें जो पाइप में लगा रहता है उसे हमें निकालना है, निकाल करके उसे गर्म पानी में करेंगे या फिर हाथ से पकड़ेंगे तो गर्म उसे करना है। गर्म करेंगे तो क्या होगा वाल जो है वहां से साइज रहता है मफलर का जो बल्ब रहता है गैस प्रेशर ज्यादा दबाव आएगा तो फैलेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा यानी सक्शन प्रेशर में हमारा ज्यादा गैस आना चाहिए। अगर सही कंडीशन में रहेगा तो इस तरह से आपको आईडी कर सकते रहेंगे हमारा सही है या खराब है। हमें अगर खराब है आप जानना चाहते हैं इसमें गैस का ही प्रॉब्लम है या और कुछ ब्लॉकिंग कुछ और प्रॉब्लम है या एक्सपेंशन वाल प्रॉब्लम है, इसे कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या होगा जो एक्सपेंशन वाल है एक्सपेंशन वाल का जो बल्ब रहता है उसे निकाल करके जो हमारा पाइप में टच रहता है लगा रहता है इंसुलेटर रहता है उसे खोल करके निकालेंगे, निकाल करके गर्म पानी आपका रहेगा तो बेस्ट रहेगा, गर्म पानी में से डुबा देंगे तो देखेंगे प्रेशर आपका सक्शन प्रेशर है वो आपका बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंशन वाल्व सही है, नहीं बढ़ रहा है तो आप 100% समझ सकते रहेंगे आपका एक्सपेंशन वाल्व ही खराब है। तो कंडीशन में क्या होगा आप इसके चेंज करना होगा या रिपेयर करना होगा। किस तरह से रिपेयर करते हैं चेंज करते हैं इसका हमारा स्पेशल वीडियो बना हुआ है, बस हमने बताने की कोशिश की है किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा एक्सपेंशन वाल्व खराब है कैसे जानेंगे। चेंज करने के लिए भी देख सकते हैं इजी रहता है इसके अंदर नॉर्मल इसमें दो टाइप के बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता है तो ले क्या करते हैं जो हमारा इन पाइप रहता है पूरा पाइप से ही ब्रिजिंग टॉर्च ले जा करके खोल करके निकालते हैं फिर उसे चेंज करते हैं। ये भी एक तरीका है बस इजी तरीका हमने बताया हुआ, सिर्फ हमें पूरा सेट नहीं चेंज करना है सिर्फ इसमें जो हमारा मफलर रहता है ऊपर का हेड है कैप है जो भी इसके जब स्प्रिंग मटेरियल पिन वगैरह रहते हैं सिर्फ वही चीज चेंज करना है, ज्यादा काम करने की ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं रहता है।
तो बहुत से टाइप में ऐसा भी आता है, फिक्स आता है, आपको पूरा डायरेक्टली सब कुछ खोलना ही पड़ेगा। बट बहुत से मॉडल आते हैं ऐसा, सिर्फ आप उसका आपको पूरा खोलने की, ब्रिजिंग से निकालने की जरूरत नहीं रहेगा, पाइप काटने की जरूरत नहीं रहेगा, सिर्फ आप स्पैनर की मदद से ही खोल सकते हैं। इसका हमारा दूसरा वीडियो बना हुआ है, प्रैक्टिकली बना हुआ है, चाहिए तो कमेंट करिए, फिर से हम बना देंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला। अगर आप ऑनलाइन कुछ टूल्स खरीदना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम, एयर कंडीशन, फ्रिज, कुछ भी इसका स्पेयर पार्ट टूल्स वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं, अपने काम के लिए कुछ लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए, बाय करिए, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो नए लोग पास शेयर करें, नए टेक्निशियन के पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए लोग हेल्प जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए कि अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।